हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे। वेलकम टू जैसी टैलेंट। आई होप आप सभी अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे हमेशा की तरह, और अच्छा अच्छा पॉजिटिविटी आप अपने मन में ला रहे होंगे, अपने पर्सन के प्रति ला रहे होंगे। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ आपको घेरे रहती हैं तो उनको कोशिश करें कि पॉजिटिविटी में रहें। और अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी कम सुनाई दे रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि थोड़ा सा मेरा जो है मुझे ज़ुकाम हो रखा है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आज हम करंट फीलिंग्स अभी देखेंगे अभी की क्या है उनकी। ओके, मैं पॉपअप कर रही थी तो दोनों ही कार्ड एक साथ आ रहे, तो देखिए दोनों ही फिर से एक साथ आ गए हैं। तो कुछ बड़ा चेंज यहाँ पर आपके पर्सन जो है करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बड़ा चेंज लाना चाहते हैं आपके साथ, क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, एक अच्छी कम्युनिकेशन ढूंढ रहे हैं आपके साथ में कि एक अच्छी मेरी बातचीत हो आपसे। डिफ़िकल्टीज़ का सामना अगर आप लोगों ने रिसेंट में आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में किया है तो उस डिफ़िकल्टीज़ को यहाँ पर ख़त्म करने की बात हो रही। ऐसा लग रहा है कि एक फेज़ जो है जो हम एक बुरा दौर आपके साथ बिता कर आए हैं, आपके पर्सन आपके साथ बिता कर आए हैं, वो ख़त्म हो और हम एक अच्छी कम्युनिकेशन एक अच्छी क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ें। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर किसी तरीके की डोमिनेटिंग बिहेव से गुजरे हैं किसी पर्सन के साथ में, उनके फैमिली मेम्बर में कोई हो सकता हो या अदर कोई हो सकता हो, फीमेल हो सकती है, जिनके वजह से हो सकता हो आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस आई हो। तो वो उन चीज़ों को भी सॉर्ट आउट जो है करने में लगे हुए हैं यहाँ पर, कि मैं उसे भी देख रहा हूँ कि मुझे उसे कैसे हैंडल करना है और मुझे मेरे पर्सन के साथ में रिलेशनशिप कैसे बेहतर करना है। करंट फीलिंग्स में यहाँ पर उनके थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ दिखाई दे रहे हैं कि मुझे मेरी सारी कम्युनिकेशन अपने पर्सन के साथ में क्लियर आउट करनी है, सारी बातें वर्ड टू वर्ड क्लियर करनी है, सारी चीज़ें ठीक करनी है। मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपने पर्सन को सारी बातें क्लियर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली में, ब्रेकअप हुआ है, तो यहाँ पर आपके पर्सन उस चीज़ को वापस से सही करने के बारे में सोच रहे हैं कि हम चलिए पास्ट हटा देते हैं और हम अपना जो है जो आने वाला समय है उसको अच्छे से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक चरण ख़त्म और दूसरा स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ जो पॉजिटिविटी जो है आपके पर्सन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उनके मन में ये चल रहा है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि बस वो आपके साथ ही रहना पसंद करेंगे, आपके साथ आपके बगैर नहीं रह सकते, आपके साथ ही चीज़ें चाहिए उनको। ये देखिए सक्सेस बैलेंस 6-6 की एनर्जी आ गई है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं अपने चीज़ों को, जैसे मैंने कहा कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको लेकर ही आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि क्लियर करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन बेहतर करना चाहते हैं, तो जितने भी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में रही है अभी तक, वो सारी नेगेटिविटी से रिलीज होना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं। आई थिंक डिफ़िकल्टीज़ से जब हम गुजरते हैं तो हमारा सबसे पहला जो मोटिव होता है अपने माइंड को शांत करना उस चीज़ से जिससे हम सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। आपके पर्सन का भी सेम सिचुएशन है कि आपके पर्सन यहाँ पर उस नेगेटिविटी से रिलीज़ होना चाहते हैं जो अभी तक महसूस कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं या आप फेस कर रहे हैं, दोनों लोग मिलकर फेस कर रहे हैं, उन चीज़ों से यहाँ पर निपटना चाहते हैं और सक्सेस डेफिनेटली आपके साथ पाना चाहते हैं। क्यों नहीं पाना चाहते हैं? क्योंकि बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, अपने जज्बात को आपके सामने लाना चाहते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जिसमें बैलेंस हो ढेर सारा, हम आपकी सुने वो मेरी सुने। इस तरीके से सिचुएशंस को यहाँ पर हैंडल करने के बारे में आपके पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं, एक अच्छी शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, जिनका हेल्दी रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है, छोटी मोटी नोक झोंक हुई है आप लोगों के बीच में, उनके पर्सन का भी सेम सिचुएशन है कि वो आपको खोएंगे नहीं, आपके साथ ही ये रिलेशनशिप बनाएंगे, आपके साथ ही चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, आपके साथ ही चीज़ों को बैलेंस करेंगे, आपको साथ लेकर ही चलेंगे, अपनी फीलिंग्स को उसकी शेयर करेंगे, आपको अपने थॉट्स रिलीज़ करेंगे, जो भी उनके मन में है कुछ छिपाना नहीं चाहते, लेकिन छिपा बहुत रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके जो इमोशंस हैं वो आपसे छिपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छिपा रहे हैं कि मैं आपको मिस नहीं कर रहा या मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा या मैं खुश हूँ। इस तरीके की अगर सिचुएशन आपको दिख रही है तो हरगिज़ भी नहीं है, अपनी फीलिंग्स को डेफिनेटली छिपा रहे हैं, अपने इमोशंस को बहुत छुपा के रखा है, आपके सामने शायद उतना शेयर ही नहीं कर पा रहे हों या आप कह नहीं पा रहे हों,
तो ये सिचुएशन है जिनकी अच्छी बातचीत चलती है या अच्छा रिलेशनशिप जिनका चल रहा है, वो भी अपनी फीलिंग्स को आपके सामने शेयर नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं उनके मन में एक हिचकिचाहट है कि शायद मैं मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, मुझे हाइड करना ही ठीक लग रहा है, मुझे हाइड करने में शायद संतुष्टि मिलती होगी, या उन्हें हाइड करना ही उनकी पर्सनैलिटी होगी अपने अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को हाइड करने की। तो वो खुलकर सामने शायद नहीं आ रहे हैं आपके सामने, लेकिन डेफिनेटली देखिए कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ वो चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस करेंगे, बैलेंस करना चाहते हैं और उन सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, उन चीज़ों पर लड़ना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको ही लेकर आगे साथ चलना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं उस सिचुएशन से, जगलिंग से निकलना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कोई डोमिनेट कर रहा हो या डोमिनेटिंग नेचर वाली पर्सनैलिटी उनके आस पास हो, इसके चलते कभी कभी वो कन्फ्यूज हो जाते हो। उस कन्फ्यूजन से डेफिनेटली बाहर निकलकर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन। उनके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना क्रिएट हों हमारे बीच में, हमें सक्सेस हासिल करनी ही करनी है, हमें इस रिलेशनशिप को जीतना ही जीतना है, मुझे इस पर्सन को कुछ नहीं छोड़ना है, मैं ही इस पर्सन के साथ में मुझे रहना है, कुछ भी हो जाए मुझे रहना ही रहना, कितना भी कुछ प्रॉब्लम्स आए हम मिलकर फेस कर लेंगे। इस तरीके की फीलिंग्स यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही, लेकिन हो सकता हो ये सब आपसे जाहिर ना कर रहे हो आपके पर्सन, हो सकता हो यहाँ पर आपके पर्सन छिपा रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि मैं आपको सामने से ना शो करूं कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, या मुझे भी दर्द हो रहा है, या मुझे भी रोना आ रहा है, या मेरा भी मन है बहुत सारा बात करने का आपसे, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत से ज़्यादा लोग जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत जल्दी आपका रीयूनियन जो है वो होने को, माफ़ कीजिएगा गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो रीयूनियन की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। विद इन अ वीक, विद इन अ वन डे, विद इन आवर हो सकता हो आप लोगों के पास कॉल मैसेज आ जाए, बट डेफिनेटली बहुत जल्दी आपकी तरफ जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कम्युनिकेशन के लिए तरस रहे हैं आपके पर्सन, बात करने के लिए तरस रहे हैं आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए टू नंबर भी लकी हो सकता है, 2 घंटे या 2 दिन बहुत, और कुछ लोगों के लिए 6 नंबर भी लकी हो सकता है, 6 दिन, 6 घंटे या 6 दिन ऐसे भी हो सकता है आप लोगों के बीच में, बट पॉजिटिव रहिए। यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ ही आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके लाइफ में आपको लेकर अगर चल रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ख़त्म करेंगे और आपके पर्सन आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। तो ये उनकी कुछ करंट फीलिंग्स निकल कर आई हैं जो कि आपके लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर बात हर किसी से रेजोनेट करे, जिससे जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए, ताकि आप जो भी पाना चाहते हैं अपने लाइफ में वो पा सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।